विनोद शर्मा न्यूज स्टेट। राधा रानी पर बयान देने के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। मथुरा के बाद अब उज्जैन में संतों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही प्रदीप मिश्रा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग हो रही है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। संत समाज में उनके खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। राधा रानी पर बयान देने के बाद मथुरा के बाद अब उज्जैन के संतों ने प्रदीप मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उज्जैन में 13 वैष्णव अखाड़े के संतों ने धर्म संसद बुलाई। उन्होंने राधा रानी और तुलसीदास पर दिए प्रदीप मिश्रा के बयान पर नाराजगी जताई। जैसे मैं तुलसीदास जैसा गमार हूँ तो आप उन जैसे गमार, वो कहाँ गमार थे? गमार शब्द का अर्थ क्या है? गमार उसे कहा गया है शास्त्रों में जो कम पढ़ा लिखा हो, जिसको बुद्धि ना हो, जो अनपढ़ हो, उसको गमार। इतना ही नहीं, उज्जैन में प्रदीप मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग हो रही है। मोनी तीर्थ के पीठाधीश्वर और निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर सुमनानंद गिरी महाराज ने जीवाजीगंज थाने में शिकायत दर्ज की है और एसपी कलेक्टर से प्रदीप मिश्रा पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ये उज्जैन के मौन तीर्थ आश्रम के महामंडलेश्वर श्री सुमनानंद जी महाराज के द्वारा कथावाचक श्री पंडित मिश्रा जी के विरुद्ध एक शिकायती आवेदन दिया है। शिकायत में है, पंडित मिश्रा जी ने राधा रानी और तुलसीदास जी के बारे में जो बोला है उसके संबंध में शिकायत की है। वहीं उज्जैन में सांदीपनी गुरु के वंशज ने कहा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा को नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर प्रदीप मिश्रा ने मथुरा जाकर प्रेमानंद महाराज से माफी नहीं मांगी तो वे कोर्ट जाएंगे। और व्यासपीठ का जो अपमान उनके द्वारा किया जा रहा है, नाक रगड़ रगड़ के उनको 84 कोस की यात्रा करना चाहिए क्षमा मारती, और माननीय पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के उनको चरणों में गिरना चाहिए। अगर प्रदीप मिश्रा जी वहां नहीं जाते हैं, क्षमा प्रार्थी नहीं करते हैं, अपने घमंड में ही चूर रहते हैं, तो हमारी जो विद्वत परिषद है हम विचार करेंगे और कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ेगा तो बिल्कुल करेंगे। हाल ही में प्रदीप मिश्रा का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वे राधा रानी के निवास स्थान और शादी को लेकर जानकारी दे रहे थे। उनके इस वीडियो पर बवाल मच गया। मथुरा के संत प्रेमानंद महाराज ने उन्हें जवाब दिया कि वे गलत जानकारी दे रहे हैं। तो ब्रज में ही संतों ने महापंचायत बुलाई और प्रदीप मिश्रा को अल्टीमेटम दिया। महापंचायत ने ब्रज में प्रदीप मिश्रा की एंट्री बैन करने का फैसला लिया और 3 दिन में माफी मांगने की चेतावनी दी। हालांकि इस विवाद पर प्रदीप मिश्रा कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। अब संत समाज प्रदीप मिश्रा के खिलाफ एकजुट हो रहा है तो मथुरा से लेकर उज्जैन तक उनका विरोध शुरू हो गया है। संतों ने चेतावनी दी है कि अगर 7 दिन में प्रदीप मिश्रा के खिलाफ पुलिस एफआईआर नहीं करती है तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रदीप मिश्रा के सभी कार्यक्रमों का विरोध होगा। सोशल मीडिया पर भी उनके प्रोग्रामों का विरोध किया जाएगा। हालांकि अब देखना होगा प्रदीप मिश्रा क्या फैसला लेंगे और इस विवाद पर विराम कब लगेगा। टीम न्यूज़ स्टेट।